हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बैटलफील्ड 5 गेम के बारे में। यह गेम इसी महीने की 20 तारीख मतलब 20 नवंबर 2018 को पूरी दुनिया के लिए पीसी, PS4 और एक्सबॉक्स वन के लिए गेम रिलीज हो चुका है। तो आप इस गेम को खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर इसी गेम के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बात। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो बैटलफील्ड 5 गेम के बारे में बात करें तो इस गेम को आप अपने विंडो पीसी या PS4 या एक्सबॉक्स वन तीनों डिवाइस के ऊपर खेल सकते हैं, क्योंकि यह गेम इन तीनों डिवाइस के लिए रिलीज हो चुका है और यह एक फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम है। इस गेम के अंदर 3 मोड है, एक स्टोरी मोड है, एक जोम्बिया मोड है और एक इस गेम को अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर के अंदर भी खेल सकते हैं। यह कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है, यह इसी महीने की 20 तारीख को रिलीज हुआ है। तो यह एक नया गेम है, इसलिए थोड़ा महंगा है। इस गेम की प्राइस लगभग 3,500 रुपये है। इस गेम के अंदर हम ऑनलाइन मल्टीप्लेयर में अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलकर खेल सकते हैं। जैसे हमें एक कोई एक एरिया दे दिया जाता है कि हमें इस एरिया को जीतना है या हमें इसे एनिमी से बचाना है। ये इस गेम की पूरी स्टोरी है। यह एक शूटर वीडियो गेम है, फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम है। जैसे आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर में अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। आप ये ऑनलाइन नहीं खेल सकते, आप इसे स्टोरी मोड के अंदर ऑफलाइन भी खेल सकते हैं या जोम्बिया के साथ से आप ऑफलाइन खेल सकते हैं। जोम्बिया आप इसे ऑनलाइन खेल सकते हैं, इसलिए आप जोम्बिया ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी मोड है, स्टोरी मोड है, इसके अंदर बहुत सारी स्टोरी है, कोई 1980 की, कोई 2025, बहुत सारी इसके अंदर स्टोरी आपको देखने को मिलती है। तो यह एक बेस्ट गेम कर आता है। तो आप इसे विंडो पीसी पर खेलना चाहते हैं तो आप इसे ओरिजिन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके विंडो पीसी के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, इसे विंडो पीसी पर खेलने के लिए आपका कम से कम इंटेल कोर i5 का 6th जनरेशन प्रोसेसर होना जरूरी है मिनिमम के लिए, और 8GB रैम होनी चाहिए और GTX 660 आपके अंदर ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है और 50GB की हार्ड डिस्क होनी जरूरी है। मतलब यह एक बेस्ट गेम है, इसके अंदर आपको एक ज़्यादा बड़े कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती। एक नॉर्मल पीसी के अंदर आप इस गेम को चला सकते हैं, हालांकि ये ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है, एक गेमिंग पीसी के अंदर आप इसे चला सकते हैं। ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स आप खेलने के लिए आपके पास कम से कम इंटेल को i7 का 4th जनरेशन CPU होना जरूरी है और 12GB रैम होनी चाहिए और 1060 ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है और 50GB की हार्ड डिस्क मिनिमम हार्ड डिस्क होनी जरूरी है इस गेम को खेलने के लिए। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें और इस गेम को खरीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट गेम लगता है, आपको इस गेम को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा गेम है, इस गेम की ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे अच्छे वीडियो लेके आते रहते हैं। So thanks for watching. I will see you next one.